अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और इसी मुझसे मतलब ये ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज संडे है और क्या ठीक ठाक आपके भाई ने जो है नींद पूरी की है अपनी। काफ़ी अरसे बाद जो है ना कोई लेवल की नींद की है भाई ने आपके। अभी जो है मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था फ्लैट पर और वो एंड कर कर एडिट कर कर बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान वगैरह लेना है। एज़ यू नो कि मंथ का स्टार्ट है, लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैंने पैसे निकलवा कर आया था। तो आज करनी है जी ग्रॉसरी शॉपिंग हमने, तो चल के थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या लेना है। मैं जो बस दिमाग में लिस्ट में चल जाता हूँ कि भाई ये सामान लेना है, जो मिलता है ले लेता हूँ, जो नहीं मिलता वो बाहर जा कर ले आता हूँ। अपना मुल्क है ना इसीलिए। खैर चलते हैं। आज संडे और मुझे लगा था कि सेंटर मेरा शौक आज, लेकिन सेंटर जो है वो खाली है। लगता है आवाम जो है थकी पड़ी है क्लासेस वगैरह ले लेकर ना। ये चेक करें, ऐसा लगा भाई सुनसान कोई किस जगह पर आ गई हूँ मैं। आवाम फुल थकी पड़ी है क्लासेस ले लेकर मेरी तरह। ये है जी ग्लोबस और ग्लोबस के सामने थोड़ा बहुत रश वगैरह है, थोड़ी बहुत रौनक है, वरना उस साइड पर तो मतलब बिल्कुल सुनसान जगह थी। सबसे पहला स्टॉप हमारा ग्लोबस ही है, यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेते हैं उसके बाद चलेंगे आगे बाज़ार में। नहीं यहाँ पर सही रौनक लगी हुई है ग्लोबस में ना आज। और ग्लोबस पर आते ही सबसे पहला टैग मारा भाई ने कॉफ़ी पर, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हुई हुई थी हमारे पास, तो सबसे पहले हमें ये लेनी थी क्योंकि भाई स्टूडेंट हैं तो ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों पसंद हैं ये, लेकिन लेनी एक है, तभी सोच रहा हूँ कि कौन सी लूँ। दिल तो कर रहा है कि मैं ब्लैक इन ब्लैक ट्राई करूँ इस बार। ये पहले मैंने पी है लेकिन साथ में पी है, लेकिन अब इस बार जो है ना मैं कहता हूँ कि ब्लैक इन ब्लैक ट्राई करते हैं। और कॉफ़ी लेने के बाद अभी मैं इधर चावल लेने के लिए चावल लिए हैं, दालें वगैरह पड़ी हैं मेरे पास तो वो लेनी नहीं है, बस ये मिली है जी इंडियन राइस यहाँ से। और जी लेबल भी जो है वो करवा लिया मैंने। और चावल लेने के बाद यहाँ से मैंने दो एनर्जी ड्रिंक्स ली अपने लिए गोरिल्ला। तो ग्रॉसरी जो है कर ली है, अब बारी है जी फ़ोन में करने की बैलेंस, तो यहाँ से जो है ना बैलेंस वगैरह कर लेते हैं फ़ोन में हम। और ये हो गया जी बैलेंस हमारा। ग्रॉसरी करनी थी ग्रॉसरी कर ली है, और उसके अलावा बैलेंस करना था बैलेंस भी करवा लिया। अब थोड़ी बहुत चीज़ें और लेनी है मैंने अपने यूज़ की, तो मैं जा रहा हूँ मॉल चल के वो लेते हैं। अच्छा अभी जो है मॉल पर आया हूँ और आते ही मैंने सॉक्स लिए हैं दो सर्दियों के लिए। अच्छा यार तो मॉल गया था, वहाँ जाके मैंने कैप ली थी लेकिन जो है ना मुझे कोई पसंद नहीं आई तो वापस बाहर आ गया। अब जा रहा हूँ 50 सोम शॉप पर, तो वहाँ जाए कुछ सामान वगैरह लेने वो लेते हैं। और ये सड़क चेक करें, ये जो है ना बन रही है, शुक्र है कि बन रही है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और जब स्नोफॉल होती है ना तो इस जगह पर जो कीड़े वगैरह हो जाती है। अभी जो है 50 सोम शॉप पर आया हूँ, यहाँ से आके हैंड वॉश लिया है। तो यार तकरीबन जो है ना सामान ले लिया और वापिस जा रहा हूँ घर क्योंकि मेरी बस हो चुकी है चल चल कर। थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी है लेकिन वो जो है ना घर चलते हैं सामान रखते हैं कुछ डालते हैं पेट में और उसके बाद जो है ना फिर लेंगे, क्योंकि भाई चल चल कर ना बस हो जाती है इंसान की मेरी ख़ास तौर पर। अब मोटरसाइकिल तो है नहीं हमारे पास, जिसको ये स्टार्ट किया की मारी और ये जा वो जा चलना पड़ता है ब्रो यहाँ पर। तो अभी जो है सारा सामान वगैरह लेके फ्लैट पर आया हूँ, ये सारा सामान है इसको रखते हैं फ्रिज में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है दूध का डब्बा, ठीक है, इसकी जगह बनानी पड़ेगी, इसको रख देते हैं जम से नीचे। ये कुछ आइसक्रीम वगैरह भी लेकर आया था क्योंकि दिल करता है कभी कभी खाने का ना, तो इसको भी जो है रखते हैं ऊपर फ्रीज़र में। ये गई थी फ्रीज़र में आइसक्रीम्स, वो नगट्स पहले वाले पड़े हुए हैं जो मैं लेकर आया था कुछ दिन पहले, तो ये मैं नाश्ते में खाता होता हूँ। ये आइसक्रीम आ गई रात के खाने के लिए। ब्रिस्का से जो अंडे लिए थे वो यहाँ पर जो है सेट कर दिए हैं। अब बारी आई जी ड्रिंक्स की, वो जो है असल में ना फ्रिज में जगह कम है तो इसको जरा इधर रख देंगे हम। बस यही सामान था फ्रिज का, बाकी चिकन हम बाद में लेंगे, फ्रिज किया बंद। ये रही जी हमारी कॉफ़ी जिसकी जगह है यहाँ पर ऊपर फ्रिज के।
बाकी रह गए हैं राइस, इसको फिलहाल यहाँ रख देते हैं क्योंकि पीछे डब्बा पड़ा हुआ है, वो उसमें डालने हैं तो बाद में डाल देंगे। मेरे फ़ोन का जो चार्जर भी ख़राब हो गया था तो ये भी चार्जर लेकर आया हूँ मोबाइल के लिए, इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये शॉपर हो गया फ्री। अब आप सोच रहे होंगे अंडे बाहर क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि नाश्ता करना है दोपहर के 4 बजे, तो नाश्ता करेंगे। बाकी उसके अलावा ये रहा जी हमारा हैंड वॉश, टूथपेस्ट, और ये कुछ नहीं है मैंने वेट टिश्यूज़, ये टेबल वगैरह साफ़ करने के काम आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये सामान लिया ठीक है, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी है वो जाने के ले करेंगे बाहर से। कल कुछ सब्ज़ी थी मैं ले आया था, टमाटर प्याज वगैरह या फिर गोभी होगी जो बनानी है मैंने आज, तो फिलहाल ये चीज़ें हैं पड़ी मेरे पास। बाकी लेना धनिया वगैरह लेना है और हरी मिर्चियाँ वगैरह लेनी है, तो वो शाम को चलेंगे करके वो ले आएंगे। तो खाना जो मैंने बना लिया है, बैठे खाना शाना खाते हैं, रोटियाँ हैं साथ, सब्जी पड़ी थी रात वाली वो है, और थोड़ा सा ऑमलेट बनाया मैंने अपने लिए, तो बैठ कर ठीक ठाक से नाश्ता करते हैं शाम के 5 बजे। The next day. सर कल जो है ना खाना शाना खाने के बाद मेरा दिल नहीं किया था उठने का, तो फिर जो है कोई काम शाम जो थे ना वो सारे रह गए। अभी जो है फिर से बाहर जा रहा हूँ ये कचरा वगैरह फेंकना है कूड़े दान में, और उसका फिर सब्जी लेनी है क्योंकि तो सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। आज मंडे है और जो है ना क्लास कोई नहीं थी हमारी, तो कोई 2-3 का सुकून मिल गया हमें। तो अभी जो है सब्जी वगैरह ली है, कूड़ा वगैरह फेंक है, अब चलते हैं घर, चले खाना शाना बनाते हैं। क्योंकि रात को जब मैंने छाननी बनाया था मेरा ना उसी सब्जी से पेट भर गया था, सब्जी और क्या कहते हैं ऑमलेट वगैरह जो खाया था शाम को, तो चल के खाना शाना बनाते हैं। 4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं बनाया यार, 5 दिन हो गए आज, तो जाके इसका हिसाब लगाते हैं। वैसे जो आज मेरा प्लान जो था बिस्किट जाने का भी था, लेकिन मैं उठा ही देर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो प्लान जो है ना कैंसिल, फिर किसी दिन जाएंगे, आज जो है घर ही रेस्ट मारते हैं। अभी जो है ना बर्तन वगैरह धोए हैं, गोभी काटी है, और यहाँ खड़े कर भाई सालन बना रहा है, सालन वगैरह बनाते हैं और रोटी वोटी खाते हैं। 1 hour later. तो फाइनली जो है मेरा सालन तैयार हो गया, गोभी और आलू बनाए मैंने आज, तो बैठ कर ये खाते हैं खाना शाना। तो इस टाइम जो है तकरीबन रात के 8:30-9 बज रहे हैं, और मैं भी आप लोगों को बताता हूँ एक मज़े की बात। वो मज़े की बात यह है कि जब भी हम जाते हैं ना पाकिस्तान छुट्टियों में गर्मियों की, तो यूनिवर्सिटी वाले जो है ना मेरे देते हैं एक डायरी, वो होती है मेडिकल डायरी ना, तो उसका भी एग्ज़ाम हुआ था पिछले दिनों में बताया था आप लोगों ने, सुबह टाइम हमारा एग्ज़ाम है मेडिकल डायरी का। तो वो असल में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि भाई आपके पास क्या स्किल्स हैं ठीक है, क्या सीख कर रहे हो, पाकिस्तान गए थे हॉस्टल घर में कोई ना कोई काम किया होगा आप लोगों ने, तो हम हैं पाकिस्तानी ठीक है, बात से जो बात सीधी सी है ठीक है, हम लोग जो है मतलब एक स्टैंप वगैरह लगवाते हैं पाकिस्तान से, 2 नंबरी कराते हैं, क्योंकि दिल तो कैसे करता नहीं है बंदा, क्या कहते हैं 7-8 महीने यहाँ ही लो फिर 3 में जाके पाकिस्तान फिर से ही लो। तो खैर हम लोग जुगाड़ वगैरह लगा के इधर डायरीज वगैरह ले आते हैं और सबमिट करवा देते हैं यूनिवर्सिटी वालों को। अच्छा अब सीन ये हुआ है कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन डायरी ने अब तक सबमिट नहीं की यूनिवर्सिटी वालों ने। अब भाई जब पहले वो डायरी तो लो, उस डायरी में क्या चीज़ लिखी हुई है, हम बच्चे क्या कर कर आए हैं वहाँ पर, वो चीज़ देखो एग्ज़ाम में लोगों ने पहले ले लिया है ठीक है। अभी मैसेज आएगा भाई डायरी का PDF आया है प्रिंट करो और सुबह सबमिट करो, भाई जब एग्ज़ाम होगा डायरी का क्या फ़ायदा, बस फजूल की जो है ना ख्वारी करने वाला सीन है यहाँ पर। मैं जब कल गया था ग्रॉसरी करने के लिए तो वहाँ से मैं कॉफ़ी लेकर आया था, तो अभी हम ये कॉफ़ी बनाते हैं ठीक है। ये जी कॉफ़ी बीटर ये उठा लेते हैं, इसके अलावा ये एक चाय है जो कि ना मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, पहले ये लेकर आया था लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या पत्ते पत्ते हैं बीच में, ये चाय जो है ना ये कमाल है चैम्पियन। मैंने जो अपने लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी जो बना ली है, और कॉफ़ी छोड़ें गन चेक करें डाला मैंने, ये सारे भी धोने वाले बर्तन पड़े हुए। तो खैर यार कॉफ़ी में पीते हैं और इस व्लॉग को प्रिंट करते हैं, उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।